हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो यहाँ पे बात करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है स्केलर के लिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या होने वाला है। जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको क्या क्या लेके आना है फिजिकल के दिन, ठीक है, ये आपसे बात करेंगे। फिजिकल के दिन क्या क्या लेके जाना है, आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो बात होगी। दूसरी चीज़ आपकी 2 दिन चलने वाला है, टाइमिंग क्या है, ठीक है, टाइमिंग के बारे में। दूसरी चीज़ आपकी, उसके अलावा आपका देखिए जिनका एग्जाम है उस दिन, ठीक है, जिसका एग्जाम भी है और यहाँ पे फिजिकल भी है, वो बारे में हम पूरा बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, वरना डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएंगे आपको सीधे बाहर कर देंगे, कोई भी आपको वहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी, ये आपको देख लेना है। टाइमिंग का आपको बताऊंगा, एग्जाम का बताऊंगा और आपके फिजिकल के दिन क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। 2 दिन में आपका फिजिकल कंप्लीट होगा, उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या क्या आपको लेके जाना है, ठीक है। आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ में अपना पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड अपना जो भी रहेगा, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी, कुछ भी चलता है, वो आपको लेके जाना है, जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए। जो छाया प्रति में फोटोकॉपी बिल्कुल नहीं चलेगी, अगर आप वहाँ पे फोटो स्टेट लेके जाते हो, फोटोकॉपी लेके जाते हो, वो आपका नहीं चलेगा, ठीक है, ये आपका मान्य नहीं है, आपको ओरिजिनल ही लेके जाना है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको देखिए निर्धारित किया गया घोषणा पत्र, आप देखो घोषणा पत्र व दो फोटो अपने लेके जानी है आपको, ये भी आप याद रखिए, दो फोटो लेके जानी है, फोटो कॉपी आपका एक, यहाँ पे आपका आधार या पैन लिख देता हूँ, ठीक है, आधार या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड, ठीक हो गया, दो फोटो होगी। उसके अलावा आपका जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र कहाँ मिलेगा, आप काफ़ी कमेंट में ये देख रहा था कि आपका जो घोषणा पत्र है वो वहीं पे मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भर के लेके जाना है। भरना क्या क्या है उसमें वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, कैसे उसको भरना है और कहाँ पर उसको फिर लेके कैसे जाना है, ठीक है। उसके अलावा आपका देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़, घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अगर नहीं है तो उसको परीक्षा में भाग नहीं लिया जाएगा, जो शारीरिक परीक्षण है उसमें भाग लेने में कठिनाई होगी तो वहाँ पे आपको नहीं दिया जाएगा, आपको मौका नहीं देंगे अगर ये आप लेके नहीं गए तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको प्रिंट आउट निकाल के भरना कैसे बताता हूँ। शारीरिक दक्षता परीक्षा भाग लेने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी का घोषणा पत्र लेके पंजीकृत किया जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होने वाला है, इसको लेके आपका बायोमेट्रिक होगा, इसको देखेंगे सबसे पहले वो, और फिर आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक हो गया, घोषणा पत्र सबसे पहले ही जमा होगा आपका वहाँ पे। उसके बाद आपका जैसे ही बायोमेट्रिक होता है फिर नाप जोक होगा, नाप जोक मतलब आपका जो हाइट मांगी गई है, और मेल में आपका चेस्ट मांगा गया है, फीमेल के लिए आपका जो यहाँ पे वेट का लिखा हुआ है, ठीक है, वेट का फीमेल के लिए लिखा हुआ है। मैंने पूरा यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है पूरा चेक किया, कहीं पे भी महिलाओं का वेट के बारे में जिक्र किया ही नहीं गया है, लेकिन आप मान के चलिए जहाँ तक मुझे लग रहा है 45 kg मांगेंगे, ठीक है। हाइट के अकॉर्डिंग वेट यहाँ पे ना के बराबर, ऐसा चांसेस बहुत कम है, 45 ही UK SSSC या UK PSC मांगती है अगर महिला कैंडिडेट का वो वेट नापती है तो, ठीक है, आपको 45 मान के चलना है, वरना फिर आपका देखते हैं वहाँ पे क्या आपका। देखिए 15 तारीख को पहला फिजिकल है, ठीक है, मेरी कुछ कैंडिडेट से बात हो चुकी है जिनका 15 को ही फिजिकल है, तो मैं आपको पूरी अपडेट दे दूंगा कि डॉक्यूमेंट में बाहर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका वेट में बाहर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट देख रहा था जिनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र खो गया है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। उसके अलावा देखिए आपका यहाँ पे सूचित किया जाता है कि नाप जोक की परीक्षा में अगर बारिश हो जाती है तो वो स्थगित नहीं होगी, ठीक है, आप ये सोच के मत निकलना कि अब बारिश होगी तो आज नहीं जाता हूँ बाद में होगा, ठीक है, ये होना ही होना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी बात करते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि भोजन अपने साथ में लेके जाएं, पानी अपने साथ में लेके जाएं, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, ठीक हो गया। एडमिट कार्ड अगर खो जाए तो तुरंत अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकालना है, ठीक है, वहीं से निकाल लेना है, कहीं आसपास में मिल जाएगा। पंजीकरण में अगर आप देखो पहले दिन अनुपस्थित रहे तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन आपको दौड़ने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, दोनों दिन आपको एब्सेंट माना जाएगा। उसके अलावा अगला आपका देखिए, आपको जब तक फिजिकल कंप्लीट नहीं होता तब तक वहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी, ये चीज़ लिखी हुई है। दूसरी बात करते हैं, उसके बाद आपका दिया हुआ है दौरान किसी भी अनुशासनहीनता कही जाएगी तो आपको निकाल देंगे, सही हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद यदि औपबंधिक प्रवेश पत्र
अभ्यर्थी की शर्त के प्रतिबंध में निग्रहित किया जाता है तो उसके न्यूनतम अर्हता धारित करती है, इससे अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। आगे आपका 12वां पॉइंट लिखा है अभ्यर्थी की शारीरिक मापजोड़ में छूट के लिए। देखो आपका अगर आपका हाइट जो है अगर वो मैच कर रही है बराबर है, वरना आपका क्या है जो आपका हिल वाले हैं, हिल वालों के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है, हिल वालों के लिए 152 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको क्या करना है उसके लिए आपको हिल सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा, ठीक है, हिल सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा। क्या क्या चीज़ें देखो, जो आपका शारीरिक मापजोक में छूट के लिए पर्वतीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो लेके जाइए, ओरिजिनल, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। स्थायी निवास प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र के संबंधित श्रेणी, ये अगर आपके पास है तो लेके जाइए। उपश्रेणी या जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी एसटी एससी इस तरीके से होता है, वो आपके पास है तो वो भी आपको लेके जाना है। अब देखो ये चीज़ें डिजी लॉकर में भी चल जाएंगी। अब देखिए कुछ बोल लेते कि मेरे पास स्थायी नहीं है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र खो गया है, ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप जाइए फटाफट अपने तहसील में, शायद अभी से आपका बनता है या फिर आपका ये ऑनलाइन भी आवेदन हो जाता है, इसको आप आवेदन कर लीजिए। अगर पुराने फोटोकॉपी है तो वहाँ से आपका क्या पता निकल भी जाए, लेकिन नहीं निकलता, अगर बाई चांस नहीं निकलता तो आवेदन आप नया कर लो और उसकी जो आपकी फोटोकॉपी, एक आपको रिसिप्ट देगा वो कि आपका ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए, डोमिसाइल के लिए, तो आप इसको फिर वहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है, ये आप जरूर से कर लो। अब बात करेंगे घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र में क्या भरना है अच्छे से समझ लो, ठीक है, मैं फिर अपना नाम भरना है, पुत्र पुत्री पिताजी का नाम भरना है, आगे आपका जो एग्जाम की डेट है, फिजिकल एग्जाम की डेट है वो आपका लिखा रहेगा, उसके बाद आपका नीचे कुछ नहीं। अब देखो अब टाइमिंग, पहली बात है टाइमिंग, ये टाइमिंग बहुत कम लोगों को दिख रही है, कुछ लोगों को टाइमिंग दिख ही नहीं रही है, वो बोले कि टाइमिंग कहाँ है, ठीक है, तो टाइमिंग यहाँ पे है, यहाँ पे टाइमिंग देख लेते हैं पहले। इससे पहले बात कर लो आपका, देखिए स्किलर के लिए क्लासेस डेली आपको मिलनी है, प्लेलिस्ट आपको जरूर से चेक कर लेनी है स्किलर क्लासेस के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। तीसरी चीज़ मैथ्स, इसके लिए दो क्लास आपकी आ चुकी है, वो आपको देख लेनी है, यहाँ पे आपके लगभग 14 से 15 क्लास आ चुकी है, मॉक टेस्ट के आपके लगभग लगभग 8 से 9 क्लास आ चुकी है, दो क्लास मैथ्स के आ चुकी हैं, ये जरूर से देख लें, बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करनी है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपका देखिए फिजिकल 15 से 15 चलने वाला है, अब यहाँ पे देखो इस 15 को जिसका है उसके लिए क्वालिफाई करके अच्छा खासा टाइम मिल गया तैयारी के लिए, अब इस 15 को जिसका है या इसके आसपास जिसका है उसके लिए देखिए आपका दिन कितने बचे, सिर्फ 1.5 महीना, 45 दिन, यहाँ बंदे को मिल रहे हैं आराम से आपके 60-65 दिन और यहाँ आपको मिल रहे हैं 40 से 45 दिन, तो आपको यहाँ पे अच्छे से अभी से तैयारी करनी है। फिजिकल आप दीजिए, फिजिकल की तैयारी कौन सा दिन में होती है आपकी, सुबह शाम आप तैयारी कीजिए फिजिकल की, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए, ये क्लासेस जरूर से प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट कर लें। इस वीडियो के एंड में आपको तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड में जाएंगे तो तीनों प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे, 1, 2, 3 ऐसे तरीके से, तो आप उनको जरूर से देख ले, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे किस तरीके से होने वाला है। अब पहले दिन आपको मान लीजिए किसी का 15-16 है, मैं ये मान के चल रहा हूँ 15 और 16 है, 15 को आपको 10 बजे पहुँचना है, ठीक है, 10 बजे आपको पहुँचाना है 15 को, और 10 बजे आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका घोषणा पत्र लिया जाएगा, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपका ये जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाप जोक वाला टेस्ट हो जाएगा। नाप जोक मतलब आपका हाइट और वेट और चेस्ट मेजरमेंट पहले दिन आपका होने वाला है। दूसरी बात करेंगे, दूसरे दिन आपको सुबह 6 बजे फील्ड पहुंचना है, 6 बजे फील्ड पहुंच के आपकी रनिंग होगी, ठीक है, 6 बजे फील्ड पहुंच के रनिंग हो जाएगी। ये चीज़ें आपकी 2 दिन की काम है, पहले दिन में ही आपका देखिए यहाँ पे नाप जोक होगा, नाप जोक के साथ में क्या है, शॉर्ट पुट होगा, लंबी कूद होगा, ऊंची कूद होगा, पहले दिन आपका जो बाकी चीज़ें सब हो जाएंगी, 16 को सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रनिंग हो जाएगी, बस इतनी चीज़ है। दूसरे दिन आपका क्या होने वाला है, रनिंग होने वाला है, और ऐसा है जो पहले दिन क्वालिफाई होगा इन चीज़ों में, जैसे नाप जोक वाले में आपका, उसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉर्ट कूद, ये तीनों चीज़ें क्वालिफाई कर देगा, हर चीज़ में क्वालिफाई हो जाएगा, वो दूसरे दिन रनिंग में आएगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों ने बायोमेट्रिक दिया और कितने लोग वहाँ पे पहुँच पाए, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। और बाकी मैं 15 को आपको जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होता है पहले दिन का वैसे ही आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होगी आपकी, उसके बाद बात करेंगे आपको जो फॉर्म भरना है, ये घोषणा पत्र कैसे भरना है। पहले नंबर पर अभ्यर्थी का नाम, देखिए जो फॉर्म में है बिल्कुल वही भरना है, गलत बिल्कुल नहीं भरना है, अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का पहले हस्ताक्षर है, फिर अनुक्रमांक है, फिर नाम है,
फिर अभ्यर्थी के पिताजी का नाम है, मोबाइल नंबर है, अभ्यर्थी का पूरा पता है, ठीक है, जो पता आपने वहाँ पे भरा है वो चीज़ आप भरिए, या आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपके पास है उस हिसाब से आपने भरा होगा वो भरिए, बिल्कुल भी गलती मत करना इसमें, वरना फिर एक कॉपी अपने साथ निकाल के ले जाना, ठीक है, इसकी एक कॉपी अपने पास सेफ्टी के लिए रख लेना, बिना भरे हुए उसको वैसे लेके जाइए, एक घर से भर के लेके जाइए, अगर वहाँ पर कुछ गलती होती है, आपसे कुछ बोला जाता है कि आपने ये गलत लिख दिया, तो वहाँ पर आप तुरंत ही दूसरा पेज निकाल के उसको भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा, तो मैंने आपको पूरी अपडेट बता दिया। अब इसके अलावा अगर आपके पास कुछ डाउट है, हाँ डाउट एक चीज है, अब मैंने वो चीज नहीं बताई आपको कि आपका मान लीजिए 15 कोई फिजिकल है, 15 कोई एग्जाम दिए कोई, तो उसके लिए क्या करना है। देखो अभी तक आयोग क्या करता था, यूके ट्रिपल एससी क्या करता है, यूके पीएससी क्या करता है, कि आपका अगर फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल है और उसी दिन आपका आप कुछ मेडिकली अनफिट हो गए, मतलब आपका कुछ भी दिक्कत होगी, कोई बुखार है कुछ भी है, आपको मेडिकल दिक्कत होगी, या फिर आपका उसी दिन कोई भी आपका एग्जाम है, अन्य एग्जाम है, तो इसमें क्या किया जाता था, पहले से एक अपडेट, एक अलग से नोटिफिकेशन कुछ दिन बाद निकलता है। जैसे फिजिकल मान लो आपका 15 तक चल रहा है अगले महीने, तो ये लोग क्या करते हैं, एक तारीख से अगले महीने 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में एक आपका क्या निकालेंगे, अपडेट निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, ऐसा होता है पिछली बार तक का, ठीक है, इस बार आपको करना क्या है वो मैं फिर बताता हूँ। तो 1 से 10 तक के बीच में एक नोटिफिकेशन निकलता है यूके ट्रिपल एससी की तरफ से, या यूके पीएससी, या कोई भी संस्थान की तरफ से, ठीक है, वो क्या बोलती है आपका, जो भी अपने फिजिकल के दिन उपस्थित नहीं हो पाए, जो भी अपने फिजिकल के दिन उपस्थित नहीं हो पाए, वो क्या करेंगे, अपना मेडिकल या फिर आपका जेन्युइन रीजन जो है, चाहे एग्जाम हो कुछ भी हो, जेन्युइन रीजन का प्रूफ के साथ, वो प्रूफ के साथ वहाँ पे मांगती है और आपको एक सेंटर बता देती है कि मान लो 15-16 था आपका, तो आपको एक सेंटर बता देती है कि 15 तारीख को या 16 तारीख को आपको इस सेंटर पे पहुंचना है अपना ये रीजन के साथ में, पूरा आपके डॉक्यूमेंट के साथ में, तो आपका वो लास्ट दिन फिर लिया जाता है, ठीक है, ये अभी तक होता था। अब इसमें हो ना हो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अब ये चीज़ होता था, अब ठीक है, अब इसमें क्या होता है, और ये चीज़ लगभग 99% होती है, इस बार भी होगी, ठीक है, तो इतना भी आपको टेंशन नहीं लेना। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो एडमिट कार्ड है आपका, मान लीजिए कॉलेज का एग्जाम है, आपके पास एडमिट कार्ड होगा ही, ठीक है, जरूर से होगा एडमिट कार्ड आपका, मान लीजिए 15 को एग्जाम है कॉलेज का और 15 को ही यहाँ का भी आपका फिजिकल है, दोनों चीज़ें होगी, इसका भी एडमिट कार्ड और इसका भी एडमिट कार्ड, यूके ट्रिपल एससी को, यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप अपना नाम के साथ और पूरा लिख लीजिए उसमें, एक मैटर लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, इस तरीके से लिखिए कि मेरा 15 को ही सर मेरा 15 को ही फिजिकल भी है और कॉलेज का एग्जाम भी है जिसमें मैं फिजिकल में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, तो इस कारणवश मेरे को जो फिजिकल है वो डेट मेरे को आगे दी जाए, या फिर आगे कभी भी मुझे फिजिकल का मौका, एक और मौका दिया जाए, इस तरीके से आपको सिंपल सा लिखना है। मेल का रिप्लाई आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर आपके पास में जो नोटिफिकेशन मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें जहाँ तक है 99% यूके ट्रिपल एससी वेबसाइट पे डाल देगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो आपका सेंटर है वो चेंज हो सकता है, उसकी गारंटी नहीं है कि अभी अल्मोड़ा दिया हुआ है और आप अभी मेडिकल लगा के फिर अगली बार भी अल्मोड़ा ही आएगा, ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है, अभी पता लग रहा है आपको बागेश्वर भेज देगा, हो सकता है जहाँ अभ्यर्थी कम होंगे वहाँ भेज देता है, तो इस तरीके से भी हो सकता है और चांसेस रहेंगे अल्मोड़ा ही मिल भी जाएगी आपको, पता, तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी आपको क्लासेस लेते रहनी है, साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इतनी अपडेट आपको समझ में आ गई होंगी, सब चीज़ों के बारे में बात हमने कर ली है, एग्जाम डेट आपको कितने बजे पहुँचना है, डेट और टाइम का मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट का आपको बता दिया, और उसके अलावा आपका अगर एग्ज़ाम है साथ में तो वो मैंने आपको बता दिया, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। देखो हिल के बारे में भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, हिल सर्टिफिकेट मेरे पास था पुराना, खो गया है, कुछ नहीं करना है, नया बनाए तो नया लेके जाओ, चलना होगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो आपको क्या करना है, जैसे सबके लिए फिजिकल मांगा गया है वैसे आपके लिए मांगा जाएगा, कोई भी छूट आपको नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से इसको आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, अगर कुछ भी दिक्कत इसके अलावा है पहले वीडियो पूरी देख लेना फिर जाके कमेंट करना और ये चीज़ आपको फिर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये वीडियो एंड होती है और यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाना है, क्लासेज जरूर से देख लेनी है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। अब आपके पास टाइम काफ़ी कम है, सिर्फ आप यहाँ पे मान के चलिए जून में आपका 15 तक यहाँ पे फिजिकल होने वाला है, जुलाई आपके पास एक महीना बचता है और अगस्त 4 अगस्त को आपका एग्जाम है, ठीक है, 4 अगस्त को एग्जाम है, 1 जुलाई आपका, जून से जुलाई सिर्फ आपके पास 1.5 महीना है क्योंकि 15 जून तक यहाँ पे फिजिकल होने वाले हैं, 1 हफ्ते में फिजिकल का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आपको तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम है, तैयारी करते रहिए, जल्दी ही आपकी क्लासेज आपको रेगुलर मिल ही रही हैं, आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट वाला पार्ट जरूर से देख लें, अभी मैंने सुबह ही वो अपलोड किया हुआ है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा पेपर का लेवल क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनता है यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी का, जो
इस बेस पे रहता है आपका 1900 ग्रेड पे वाला, ठीक है। तो ये देखना जरूरी है किस लेवल की पोस्ट है और किस लेवल की तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जरूर से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।